माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत को लेकर के और आकांक्षी भारत को लेकर के गत दिनों के जो प्रयास हैं उसके संबंध में विस्तार से बात कही है। मैं सभी आदरणीय सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण भाषण पर अपनी टिप्पणी की, अपने विचार रखे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात बताने से पहले कल जो घटना घटी उसके लिए दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा। देश ने आदरणीय लता दीदी को खो दिया। इतने लंबे काल तक जिनकी आवाज ने देश को मोहित किया, देश को प्रेरित भी किया, देश को भावनाओं से भर दिया, और एक अहर्निश सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करते हुए और देश की एकता को भी करीब करीब 36 भाषाओं में उन्होंने गाया, ये अपने आप में भारत की एकता और अखंडता के लिए भी एक प्रेरक उदाहरण है। मैं आज आदरणीय लता दीदी जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इतिहास इस बात का गवाह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में बहुत बड़ा बदलाव आया। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें हम सब लोग जी रहे हैं, मैं साफ देख रहा हूं कि कोरोना काल के बाद विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, नई व्यवस्थाओं की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि हम लोग एक भारत के रूप में इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। मेन टेबल पर भारत की आवाज भी बुलंद रहनी चाहिए। भारत ने एक लीडरशिप रोल के लिए अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए, और इस परिप्रेक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल अपने आप में एक प्रेरक अवसर है। उस प्रेरक अवसर को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, तब तक हम पूरे सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से, पूरे समर्पण से, पूरे संकल्प से देश को उस जगह पर लेके पहुंचेंगे। ये संकल्प का समय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में देश ने कई क्षेत्रों में, मूलभूत व्यवस्थाओं में बहुत मजबूती का अनुभव किया है और बहुत मजबूती के साथ हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना,
गरीबों को रहने के लिए घर हो। ये कार्यक्रम तो लंबे समय से चला है, लेकिन जो गति, जो व्यापकता, विशालता, विविधता उसने उसमें स्थान पाया, उसके कारण आज गरीब का घर भी लाखों से भी ज्यादा कीमत का बन रहा है। और एक प्रकार से जो भी पक्का घर पाता है वो गरीब आज लखपति की श्रेणी में भी आ जाता है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात को सुनकर के गर्व न हो कि आज देश के गरीब से गरीब के घर में शौचालय बना है, आज खुले में शौच से देश के गांव भी मुक्त हुए हैं। कौन खुश नहीं है? कौन खुश नहीं है? ठीक नहीं है। हो गया? प्लीज, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। आप बोलिए। नहीं नहीं प्लीज अजय जी, आपको धन्यवाद करके शुरू करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार अजरा अमर रहे। प्लीज प्लीज प्लीज, आजादी के इतने सालों के बाद गरीब के घर में भी जब रोशनी होती है तो उसकी खुशियां देश की खुशियों को ताकत देती है। चूल्हे के धुएं से जलती हुई आंखों के साथ काम करने वाली मां को, गरीब मां को, और जिस देश में घर में गैस कनेक्शन हो यह स्टेटस सिंबल बन चुका था, उस देश में गरीब के घर में गैस का कनेक्शन हो, धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति हो, तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। हमारी माताएं बहनें उनका पूरा प्लीज शक्ति प्लीज दादा प्लीज बैठिए। आपको मैंने पर्याप्त मौका दिया, तरीका ठीक नहीं है दादा। नहीं, दादा को बीच बीच में मौका देना चाहिए, क्योंकि दादा उम्र के इस पड़ाव में भी बचपना का मजा लेते रहते हैं। आज गरीब का बैंक में अपना खाता हो, आज बैंक जहां गए बिना गरीब भी अपने टेलीफोन से बैंक के खाते का उपयोग करता हो, सरकार के द्वारा दिए गई राशि सीधी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उसके खाते में पहुंचती हो, ये सब अगर आप जमीन से जुड़े हुए होते, अगर आप जनता के बीच में रहते होते तो जरूर ये चीजें नजर आती, दिखाई देता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका जिनके सुई कांटा 2014 में अटका हुआ है और उससे वो बाहर ही निकल नहीं पाते हैं, और उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ा है। आपने जो अपने आप को एक ऐसी मानसिक अवस्था में बांध के रखा है, देश की जनता आपको पहचान गई है, कुछ लोग पहले पहचान गए, कुछ लोग देर से पहचान गए, और कुछ लोग आने वाले समय में पहचानने वाले हैं। अब देखिए, आप
जब इतना सारा लंबा उपदेश देते हैं तब भूल जाते हैं 50 साल तक कभी आपने भी देश में यहां बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया था। और क्या कारण है कि आप सोच नहीं पाते। अब आप देखिए, नागालैंड के लोगों ने आखिरी बार 1998 में कांग्रेस के लिए वोट किया था, करीब 24 साल हो गए। ओडिशा ने 1995 में आपके लिए वोट किया था, सिर्फ 27 साल हो गए, आपको वहां एंट्री नहीं मिली। गोवा में 1994 में पूर्ण बहुमत के साथ आप जीते थे, 28 साल हो गए, गोवा ने आपको स्वीकार नहीं किया। पिछली बार 88 में त्रिपुरा में वहां की जनता ने वोट दिया था, करीब 34 साल पहले त्रिपुरा में। कांग्रेस का हाल है यूपी, बिहार और गुजरात। आखिर में 1985 में, 1985 में, करीब 37 साल पहले आपके लिए वोट किया था। पिछली बार पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों ने 1972 में, करीब 50 साल पहले, आपको पसंद किया था। तमिलनाडु के लोगों ने प्लीज तमिलनाडु, मैं इसके लिए सहमत हूं, कागज लेके बाद में बोल रहे। अगर आप उस मर्यादा का पालन करते और इस जगह का उपयोग न करते, और बड़ा दुर्भाग्य देश का कि सदन जैसी पवित्र जगह देश के लिए काम आनी चाहिए, उसको दल के लिए काम में लेने का जो प्रयास हो रहा है, और उसके कारण जवाब देना हमारी मजबूरी बन जाती है, माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु आखिर में 1962 में, यानी करीब 60 साल पहले आपको मौका मिला था। तेलंगाना बनाने का श्रेय लेते हैं, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद भी वहां की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। झारखंड का जन्म हुआ, 20 साल हो गए, पूर्ण रूप से कांग्रेस को स्वीकारते नहीं है, पिछले दरवाजे से वो घुसने का प्रयास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है, सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोकतंत्र में, इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है। और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। इस बार अभिरंजन जी बहुत सारे शेर सुना रहे थे, चलिए मौका मैं भी ले लूं। और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूं, तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। जरूरत हुई
प्लीज। आप जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाइयो, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। प्लीज 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 प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 वर्ष में आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। आजादी की इस लड़ाई में जिन जिन लोगों ने योगदान किया, वो किसी दल के थे या नहीं थे, इन सब से परे उठ करके देश के लिए जीने मरने वाले लोग, देश के लिए जवानी खपाने वाले लोग, ये हर किसी को स्मरण करने का, पुण्य स्मरण करने का अवसर है और उनके सपनों को याद करते हुए कुछ संकल्प लेने का अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब संस्कार से, स्वभाव से, व्यवस्था से लोकतंत्र के प्रतिबद्ध लोग हैं और आज से नहीं सदियों से हैं। लेकिन ये भी सही है, आलोचना ये जीवंत लोकतंत्र की, जीवंत लोकतंत्र का एक आभूषण है। लेकिन अंध विरोध ये लोकतंत्र का अनादर है। सबका प्रयास, इस भावना से भारत ने जो कुछ हासिल किया है, अच्छा होता उसे खुले मन से स्वीकार किया गया होता, उसका स्वागत किया जाता होता, उसका गौरवगान करते। बीते 2 सालों में 100 साल का सबसे बड़ा वैश्विक महामारी का संकट पूरी दुनिया की मानव जात झेल रही है। जिन्होंने भारत के अतीत के आधार पर ही भारत को समझने का प्रयास किया, उनको तो आशंका थी कितना बड़ा विशाल देश, इतनी बड़ी आबादी, इतनी विविधता, ये आदतें, ये स्वभाव, शायद ये भारत इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, भारत अपने आप को बचा नहीं पाएगा, यही उनकी सोच थी। लेकिन आज स्थिति क्या है, मेड इन इंडिया कोविड टीके, कोविड वैक्सीन दुनिया में सबसे प्रभावी है। आज भारत 100% पहली डोज इस लक्ष्य को के निकट करीब करीब पहुंच रहा है और लगभग 80% सेकंड डोज उसका पड़ाव भी पूरा कर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, लेकिन उसे भी दलगत राजनीति के लिए उपयोग में लाया जाए, क्या ये मानवता के लिए अच्छा है? भारत जैसे आपको मैं बोल, प्लीज प्लीज
माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अधीर रंजन जी आपको पर्याप्त समय प्राप्त। माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया। कोई भी टोपी पहन लेने की क्या जरूरत है जी? अरे क्यों, लेकिन जब आप खड़े ही हो गए तो अब मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान होगा दूंगा आपको प्लीज। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है। आपको मैंने पर्याप्त, प्लीज बैठिए, प्लीज 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 प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने सिर्फ इतना का हद कर दी। प्लीज, पहली लहर के दौरान वो मैंने आप देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके, सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। सब सब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने आपने ये बहुत बड़ा पाप किया, महा अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया। आपने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक परेशानियों में धकेल दिया। और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी, दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया, और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। माननीय अध्यक्ष जी, ये कैसी राजनीति है, मानव जात पर संकट के समय ये कैसी राजनीति है, ये दलगत राजनीति कब तक चलेगी? आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के इस आचरण से सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश अचंभित है। दो साल से देश 100 साल के सबसे बड़े संकट से मुकाबला जूझ कर रहा है। कुछ लोगों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, देश उसे सोच में पड़ गया है।
क्या ये देश आपका नहीं है? क्या ये देश के लोग आपके नहीं हैं? क्या उनके सुख दुख आपके नहीं हैं? इतनी बड़ी संकट आया, कई राजनीतिक दल के नेता जरा आत्मनिरीक्षण करें, कितने राजनीतिक दल के नेता जो जनता के माने हुए नेता अपने आप को मानते हैं, उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट की हो, अपील की हो, भाई कोरोना का एक ऐसा संकट है, वैश्विक महामारी है, आप मास्क पहनो, हाथ धोना रखो, दो गज की दूरी रखो। कितने नेता हैं, क्या ये बार बार देश की जनता को अगर कहते तो उसमें कोई बीजेपी की सरकार को क्या फायदा होने वाला था, मोदी को क्या फायदा होने वाला था? लेकिन इतने बड़े संकट में भी, इतने बड़े संकट में भी इतना सा पवित्र काम करने से भी चूक गए। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग हैं उनको ये इंतजार था कि कोरोना वायरस मोदी की छवि को चपेट में ले लेगा, बहुत इंतजार किया, और कोरोना ने भी आपके धैर्य की बड़ी कसौटी की है। आए दिन आप लोग औरों को नीचा दिखाने के लिए महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। महात्मा गांधी की स्वदेशी की बात, इसको बार बार दोहराने में हमें कौन रोकता है? अगर मोदी वोकल फॉर लोकल कहता है, मोदी ने कहा, इसलिए शब्दों को छोड़ दो भाई, लेकिन क्या आप नहीं चाहते हैं देश आत्मनिर्भर बने? जिस महात्मा गांधी के आदर्शों की बात करते हैं, तब भारत में इस अभियान को ताकत देने में, जुड़ने में आपका क्या जाता था, उसका नेतृत्व आप लीजिए, महात्मा गांधी जी के स्वदेश के निर्णय को आगे बढ़ाइए, देश का भला होगा। और हो सकता है, हाँ, आप महात्मा गांधी के सपनों को सच होते देखना नहीं चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरी दुनिया योग के लिए, एक प्रकार से कोरोना में तो योग ने दुनिया भर में जगह बना ली। दुनिया भर में कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको योग के लिए गर्व न हो? आपने उसका भी मजाक उड़ाया, उसका भी विरोध किया। अच्छा होता आप लोगों को कहते, भाई संकट में घर में है, ये योगा कीजिए, आपको फायदा होगा। क्या नुकसान था? फिट इंडिया मूवमेंट चले, देश का नौजवान सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो। आपको मोदी से विरोध हो सकता है, फिट इंडिया मूवमेंट आपके राजनीतिक दलों के छोटे छोटे युवा मंच होते हैं। अगर हम सब ने मिलकर के अगर इस फिट इंडिया के द्वारा देश की युवा शक्ति को इस सामर्थ्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहते, लेकिन उसका भी विरोध, उसका भी उपहास, यानी क्या हो गया है आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और इसलिए मैं आज इसलिए कहता हूं, आपको ध्यान में आए कि आप कहां खड़े हैं जी। और मैंने इतिहास बताया, 60 साल के लेकर 15 साल तक पूरा काल का इतने राज्य, कोई आपको घुसने नहीं दे रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, कभी कभी मैं ये विशेष बहुत प्यार से कह रहा हूं, नाराज मत हो जाना। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है।
कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता, हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते। और इसलिए खैर, अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन इस बात का साक्षी है कि कोरोना वैश्विक महामारी से जो बनी स्थितियां, जो स्थितियां उत्पन्न हुई, उसको निपटने के लिए भारत ने जो भी रणनीति बनाई, उसको लेकर के डे वन से क्या क्या नहीं कहा गया, किस किस ने क्या बोला, आज वो खुद देखेंगे तो उनको हैरानी हो जाएगी, ऐसा कैसे बुलवा लिया, किसने बुलवा लिया, पता नहीं क्या बोलती है हम लोग। दुनिया के और लोगों से बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करके ऐसी बातें बुलवाई गई ताकि पूरे विश्व में भारत बदनाम हो, खुद को टीके रहने के लिए, आर्थिक आयोजन को भारत कैसे चल रहा है, माय गॉड क्या कुछ कहा गया, बड़े बड़े पंडितों ने क्या क्या कहा, पूरी आपकी इकोसिस्टम लग गई थी। हम जो भी समझते थे, भगवान ने जो समझ दी थी, लेकिन समझ से ज्यादा समर्पण बहुत बड़ा था। और जहां समझ से समर्पण ज्यादा होता है, वहां देश और दुनिया को अर्पण करने की ताकत भी होती है, और वो हमने करके दिखाया है। और जिस रास्ते पर हम चले, आज विश्व के अर्थ जगत के सभी ज्ञाता इस बात को मानते हैं कि भारत ने जिस आर्थिक नीतियों को लेकर इस कोरोना कालखंड में अपने आप को आगे बढ़ाया, वो अपने आप में एक उदाहरण ही है। और अनुभव भी हम करते हैं, हमने देखा है। माननीय जी, भारत आज दुनिया की, माननीय अध्यक्ष जी, भारत आज दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज है उसमें सबसे तेजी से विकसित हो रही बड़ी अर्थव्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष जी, इस कोरोना कालखंड में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड पैदावार की, सरकार ने रिकॉर्ड खरीदी की, दुनिया के अनेक देशों में जहां खाने का संकट पैदा हुआ, और आपको पता होगा 100 साल पहले जो आपदा आई थी उसके जो रिपोर्ट है उसमें ये बात कही गई है कि बीमारी से मरने वालों की जैसी तादाद है, वैसी भूख से मरने वालों की भी बड़ी तादाद है, उस समय के 100 साल पहले की रिपोर्ट में। इस देश ने किसी को भूख से मरने नहीं दिया, 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया, और आज भी करा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा टोटल एक्सपोर्ट हिस्टोरिकली हाईएस्ट रिकॉर्ड पर है, और ये कोरोना काल में है। कृषि एक्सपोर्ट ऐतिहासिक रूप से टॉप पर पहुंचा है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नई ऊंचाई तरफ बढ़ रहा है, मोबाइल फोन एक्सपोर्ट अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, डिफेंस एक्सपोर्ट, कईयों को परेशानी हो रही है, ये आत्मनिर्भर भारत का कमाल है कि आज देश डिफेंस एक्सपोर्ट में भी अपनी पहचान बना रहा है। एफडीआई और एफपीआई, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज, एक मिनट चुप रहिए आप भी।
माननीय सदस्य, आप चुप रहिए, आपको किसने इजाजत दी, बैठिए। माननीय सदस्यगण, मैंने सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन माननीय सदस्य आपने जब बोला तो मैंने कहा कि कोई भी इस सदन में नेता बोल रहे हैं कोई टिप्पणा टिप्पणी करेंगे, लेकिन आज आप ये उचित व्यवहार नहीं है, सदन के नेता बोल रहे हैं, सदन की गरिमा को बनाए रखें, ये मेरा आपसे आग्रह है। आपको मैं बोलने का मौका दूंगा, ठीक है, आप बैठिए, आपको मौका नहीं दिया मैंने। माननीय प्रधानमंत्री जी प्लीज, माननीय दादा आपको मौका नहीं, माननीय सुरेश प्लीज, माननीय आप समझेंगे, समझाएंगे, आप पूरा सुनो, सब समझाएंगे। सदन में थोड़ी बहुत टोका टोकी तो आवश्यक होती है, जरा गर्मी रहती है, लेकिन जब सीमा के बाहर जाता है तो जरा लगता है कि हमारे साथी ऐसे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनकी पार्टी के एक एमपी ने चर्चा की शुरुआत की थी और यहां से कुछ छोटा मोटा नोकझोंक चल रहा था और मैं मेरे कमरे से स्क्रीन पे देख रहा था कि हमारे मंत्री प्रहलाद जी पीछे गए, सबको रोका और वहां से चैलेंज आई कि अगर हमें रोकोगे तो तुम्हारे नेता का ये हाल करेंगे। क्या इसी का ये हो रहा है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपको हरेक को अपना सियार सुधारने की कोशिश तो करनी चाहिए और मैं मानता हूं जितना किया है उससे आपका सियार ठीक हो गया है। जिन लोगों को रजिस्टर करना है आपके इस पराक्रम को कर लिया है, जीत जाना क्यों कर रहे हो? इस सत्र में तो कोई आपको नहीं निकालेगा, विश्वास करो। इस सत्र में आपको कोई निकालने का नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, इस जगह से। अरे भाई ऐसे ही बच गए हो। माननीय अध्यक्ष जी, एफडीआई और एफपीआई का रिकॉर्ड निवेश आज भारत में हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आज हिंदुस्तान दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में है। माननीय अध्यक्ष जी, ये सब इसलिए संभव हुआ है कि कोरोना काल में इतना बड़ा संकट सामने होने के बावजूद भी अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस संकट के काल में देश को बचाना है तो रिफॉर्म जरूरी थी और हमने वो जो रिफॉर्म किए उसका परिणाम है कि आज हम इस तरीके से स्थिति पर आकर पहुंचे। माननीय अध्यक्ष जी, एमएसएमई सदस्य प्लीज सहित, आप बैठिए, उद्योग को गलत तरीका है आपका, जरूरी सपोर्ट दी, बैठिए, ऐसे नहीं चलेगा। नियमों को, प्रक्रियाओं को सरल किया, आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है उसको हमने चरितार्थ करने के लिए भरपूर कोशिश की। ये सारी उपलब्धियां ऐसे हालत में देश ने हासिल की हैं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक जगत में बहुत बड़ी उथल पाथल आज भी चल रही है, सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है, लॉजिस्टिक सपोर्ट में अनेक संकट पैदा हुए हैं, दुनिया में सप्लाई चेन की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर पर कितना बड़ा संकट आया है और भारत आयात करने पर डिपेंडेंट है, कितना बड़ा आर्थिक बोझ देश पर आया है, पूरी विश्व में हालत पैदा हुई है, लेकिन भारत ने किसानों को इस पीड़ा झेलने के लिए मजबूर नहीं किया, भारत ने वो सारा बोझ देश ने अपने कंधों पर उठाया और किसान को ट्रांसफर नहीं होने दिया है। भारत ने
फर्टिलाइजर की सप्लाई को भी निरंतर जारी रखा है। कोरोना के संकट काल में भारत ने अपनी खेती को, अपने छोटे किसानों को संकट से बाहर निकालने के लिए बड़े फैसले लिए। मैं कभी कभी सोचता हूं, जो लोग जड़ों से कटे हुए लोग हैं, दो दो चार चार पीढ़ी से महलों में बैठने की आदत हो गई है, वो देश के छोटे किसानों की क्या समस्या है वो समझ ही नहीं पाए। उनके अगल बगल में जिन किसानों की उनकी पहुंच थी, उससे आगे देख नहीं पाए हैं। और मैं कभी ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं कि छोटे किसानों के प्रति आपकी इतनी नफरत क्यों है? क्या आप छोटे किसानों के कल्याण के लिए आप रोड़े अटकाते रहते हो, छोटे किसानों को इस संकट में डालते हो? माननीय अध्यक्ष जी, अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो हमें हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। अगर हमारा छोटा किसान मजबूत होता है, छोटी सी जमीन होगी, 2 हेक्टेयर की भूमि होगी, तो भी उसको आधुनिक करने का वो प्रयास करेगा, नया सीखने का प्रयास करेगा और उसकी ताकत आएगी तो देश की अर्थरचना को भी ताकत मिलेगी। और इसलिए आधुनिकता के लिए छोटे किसानों की तरफ ध्यान देने का हमारा प्रयास है। लेकिन छोटे किसानों के प्रति जिन लोगों के मन में नफरत है, जिन्होंने छोटे किसानों के दुख दर्द नहीं जाना है, उनको किसानों के नाम पर अपनी राजनीति करने का कोई हक नहीं बनता है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बात को हमें समझना होगा, सैकड़ों वर्षों का गुलामी कालखंड, उसकी जो मानसिकता है वो आजादी के 75 साल के बाद भी कुछ लोग बदल नहीं पाए। ये गुलामी की मानसिकता किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत बड़ा संकट होती है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आज देश का मैं चित्र देखता हूं, एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा वर्ग है, आज भी वो गुलामी की मानसिकता में जीता है, आज भी 19वीं सदी के काम, उस सोच, उसी में जकड़ा हुआ है, और 20वीं सदी के जो कानून है वही कानून उसको कानून लगते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, गुलामी की मानसिकता, इन 19वीं सदी का रहन सहन, 20वीं सदी के कानून 21वीं सदी की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकते। 21वीं सदी के अनुकूल हमें बदलाव बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस बदलाव को हमने अस्वीकार किया उसका परिणाम क्या है? फ्रेट कॉरिडोर इतने मनोमंथन के बाद, कई वर्षों तक उसके बाद योजना बनी, 2006 में प्लानिंग, 2006 से 2014 तक का उसका हाल देखिए, 2014 के बाद उसकी तेजी आई। यूपी में सरयू नहर परियोजना 70 के दशक में शुरू हुई, 70 दशक और उसकी लागत 100 गुना बढ़ गई। हमारे आने के बाद हमने उस काम को पूरा किया। कि कैसी सोच है, क्या तरीके है? यूपी का अर्जुन डैम परियोजना 2009 में शुरू हुई, 2017 तक 1/3 खर्चा हुआ, हमने इतने कम समय में उसको पूर्ण कर दिया। अगर कांग्रेस के पास इतनी सत्ता थी, इतने सालों तक सत्ता थी, तो चार धाम को वो ऑल वेदर सड़कों में परिवर्तित कर सकते थे, जोड़ सकते थे, लेकिन नहीं किया। वाटरवे, सारी दुनिया वाटरवे का समर्थन है, हमारा ही देश था कि हमने वाटरवे को नकार दिया, आज हमारी सरकार को वाटरवे पर काम करना है। पुराने अप्रोच से गोरखपुर का कारखाना बंद होता था, हमारे अप्रोच से गोरखपुर का फर्टिलाइजर का कारखाना शुरू होता है।
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग ऐसे हैं जो जमीन से कटे हुए हैं, उसके कारण उनके लिए फाइल की मूवमेंट, फाइल में सिग्नेचर करके कौन अगला मुलाकात आएगा उसी के इंतजार में जो रहते हैं। आपके लिए फाइल सब कुछ है, हमारे लिए 130 करोड़ देशवासियों का लाइफ महत्वपूर्ण। आप फाइल में खोए रहे, हम लाइफ बदलने के लिए जी जान से जुटे हुए लोग। आज उसी का परिणाम है प्रधानमंत्री ज्योति शक्ति मास्टर प्लान। एक होलिस्टिक अप्रोच, टुकड़ों में नहीं। एक आधा काम वहां रहा है, रोड बन रहा है, फिर बिजली वाला आकर के खुदाई करता है, वो फिर ठीक होता है, फिर पानी वाला आकर के खुदाई करता है। उस सारी समस्याओं से बाहर आकर के हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गतिशक्ति मास्टर प्लान की दिशा में हम काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारा देश की विशेषता को देखते हुए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उस पर हम बड़ा जोर दे रहे हैं और कनेक्टिविटी पर, इसके आधार पर हम जोर दे रहे हैं। आजादी के बाद सबसे तेज गति से ग्रामीण सड़कें कहीं बन रही है तो इस पांच साल के कालखंड में बनी है। माननीय अध्यक्ष जी, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है। आज देश नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर ड्रोन का नेटवर्क खड़ा कर रहा है। देश के 6 लाख से अधिक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए काम चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे काम ऐसे हैं जो रोजगार देते हैं। ज्यादा से ज्यादा रोजगार इन्हीं कामों से मिलता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश की आवश्यकता है और अभूतपूर्व निवेश भी हो रहा है और उसी से रोजगार भी बढ़ना है, विकास भी बढ़ना है और विकास की गति भी बढ़ना है, और इसलिए आज देश उस दिशा में काम कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जितनी ज्यादा अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी उतने ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और इसी लक्ष्य को लेकर के पिछले 7 साल से हमने इन चीजों पर फोकस किया है और उसका परिणाम है हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान। मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, हर सेक्टर में हमारा उत्पाद बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के हम आज ग्लोबल वैल्यू चेन के हिस्से बन रहे हैं, ये अपने आप में भारत के लिए एक अच्छी निशानी है। हमारा बड़ा फोकस एमएसएमई और टेक्सटाइल जैसे लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स में है। एमएसएमई की परिभाषा में सुधार, एमएसएमई की परिभाषा में हमने सुधार करके उसको भी नए अवसर दिए हैं। अपने छोटे उद्योगों को सुरक्षित करने के लिए, एमएसएमई के लिए सरकार ने इस कोरोना के विकट कालखंड में 3 लाख करोड़ रुपए की विशेष योजना भी शुरू की और उसका लाभ हमारे एमएसएमई सेक्टर को मिला है। और इसका बहुत बढ़िया स्टडी एसबीआई ने किया है। एसबीआई का स्टडी कहता है कि 13.5 लाख एमएसएमई इस योजना के कारण बर्बाद होने से बच गए हैं। एसबीआई का स्टडी कहता है 1.5 करोड़ नौकरियां बची हैं और करीब 14% एमएसएमई लोन्स के कारण एनपीए होने की जो संभावना थी उससे बच गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य जमीन पर जाते हैं वो इसके प्रभाव को देख सकते हैं। विपक्ष के भी कई साथी मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि साहब ये इस योजना ने बहुत बड़ा लाभ किया है, एमएसएमई सेक्टर को इस संकट की घड़ी में बहुत बड़ा सहारा दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी प्रकार से मुद्रा योजना कितनी सफल रही, हमारी माताएं बहनें कितनी उस क्षेत्र में आई है, लाखों लोग बिना गारंटी बैंक से लोन लेकर के आज अपना स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े और खुद तो करते हैं, एक आध दो लोगों को रोजगार भी देते हैं। स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर्स, कभी हमने सोचा नहीं, पहली बार आजादी के बाद स्ट्रीट वेंडर्स और बैंक के अंदर से लोन मिल रहा है और हमारा स्ट्रीट वेंडर डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहा है और करोड़ों श्रमिकों को लाभ मिल रहा है। हमने गरीब श्रमिकों के लिए
2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत हजारों लाभार्थियों के खाते में हमने सीधे पैसे ट्रांसफर किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडस्ट्री को गति देने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत होती है। पीएम गतिशक्ति नेशनल प्लान मास्टर प्लान ये हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम करेगा और उसके कारण देश में भी माल सस्ते में पहुंच पाएगा और एक्सपोर्ट करने वाले लोग भी दुनिया के साथ कंपटीशन कर पाएंगे और इसलिए पीएम गतिशक्ति प्लान आने वाले दिनों में बहुत लाभकारक होने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने एक और बड़ा काम किया है, नए क्षेत्रों को एंटरप्रेन्योर्स को उसके लिए हमने ओपन कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत स्पेस, डिफेंस, ड्रोन्स, माइनिंग को प्राइवेट सेक्टर को आज देश के विकास में भागीदार बनने के लिए हमने निमंत्रित किया है। देश में एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए सिंपल टैक्स सिस्टम की शुरुआत, हजारों कंप्लायंसेस हमारे देश में आता है, हर डिपार्टमेंट ये लाओ वो लाओ, ये कागज लाओ वो नाम लाओ, वो सारा करीब 25,000 कंप्लायंसेस हमने खत्म किए हैं। आज मैं तो राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि वे भी ढूंढ ढूंढ के ऐसे कंप्लायंसेस खत्म करें। देश के नागरिकों को परेशानी हो रही है, उसको समझे हम लोग। आज देश में इस प्रकार के बैरियर्स हटाए जा रहे हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को लेवल प्ले फील्ड देने के लिए एक के बाद एक कदम हम उठाते जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज देश उस पुरानी अवधारणा से बाहर निकल रहा है। हमारे देश में सोच बन गई कि सरकार ही भाग्य विधाता है, तुम्हें सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, तुम्हारी आशा अपेक्षाएं कोई पूरी नहीं कर सकता है, सरकार ही करेगी, सब कुछ सरकार देगी। ये हम लोगों ने इतना ईगो पाल के रखा था और उसके कारण देश के सामर्थ्य को भी चोट पहुंची है और इसलिए सामान्य युवा के सपने, युवा कौशल, उसके रास्ते हम नए सिरे से सोचना शुरू किया। सब कुछ सरकार करती ऐसा नहीं है, देशवासियों की ताकत अनेक गुना ज्यादा होती है। वो सामर्थ्य के साथ अगर संकल्प के साथ जुड़ जाते हैं तो परिणाम मिलता है। अब देखिए, 2014 के पहले हमारे देश में सिर्फ 500 स्टार्टअप थे। जब अवसर दिया जाता है देश के नौजवानों को तो क्या परिणाम आता है। इन 7 साल में 2014 के पहले 500 स्टार्टअप, इन 7 साल में 60,000 स्टार्टअप इस देश में काम कर रहे हैं। ये मेरे देश के युवाओं की ताकत है और उसमें यूनिकॉर्न बन रहे हैं और एक एक यूनिकॉर्न यानी हजारों करोड़ की उसकी वैल्यू तय हो जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, और बहुत ही कम समय में भारत के यूनिकॉर्न सेंचुरी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा एचीवमेंट। हजारों करोड़ की कंपनी बनने में पहले दशकों लग जाते थे, आज हमारे नौजवानों की ताकत है सरकार की नीतियों के कारण साल दो साल के अंदर हजारों करोड़ के कारोबार को उनके आसपास वो देख पा रहे हैं। आज माननीय अध्यक्ष जी, हम स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स में इस मामले में दुनिया में टॉप 3 में पहुंच गए हैं। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा जी? लेकिन ऐसे समय इस सरकार का अंध विरोध करने की जिनको आदत लग गई है, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। और यहां मैंने देखा हमारे अधीर रंजन जी कह रहे थे, क्या रखा है मोदी 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 करते रहे तो है यही कर रहे थे सब लोग, मोदी 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 बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं आप लोग सुबह सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। एक पल आप लोग एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते।
अरे मोदी तो आपकी प्राण शक्ति है। एक बोल रहे हैं ना, मानिए मानिए देखिए, चलो बैठिए। कुछ लोग देश के नौजवानों को, देश के एंटरप्रेनर्स को, देश के वेल्थ क्रिएटर्स को, उनको डराने में आनंद आता है, उनको भयभीत करने में आनंद आता है, उनको गुमराह करने में आनंद आता है। देश का नौजवान उनकी बातें सुन नहीं रहा है, इसके कारण देश आगे बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज जो यूनिकॉर्न है यही उसमें से कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां बनने का सामर्थ्य रखती हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं, जो हमारे उद्यमी हैं उनके लिए कहते हैं, और आपको भी जानकर के आश्चर्य होगा, क्या कहते हैं वो? कहते हैं ये उद्यमी लोग कोरोना वायरस का वेरिएंट, बताइए क्या हो गया हमारे देश के उद्यमी, ये कोरोना वायरस के वेरिएंट है क्या? हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? कोई जरा आपके अंदर बैठे तो जरा बोलो तो है भी, क्या हो रहा है? पार्टी का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो इतिहास के सब, जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं वो इतिहास में खो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जरा 60 से 80 का दायका, उनके सभी प्रमुख लोग उसमें आ जाते हैं जो देश का नेतृत्व करते थे, उस कालखंड की बात कर रहा हूं। 60 से 80 के दशक में क्या नैरेटिव होता था? कांग्रेस के ही सत्ता साथी, कांग्रेस के साथ रहकर के सुख भोगने वाले लोग, ये वही लोग पंडित नेहरू जी की सरकार को और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार को क्या कहते थे? ये तो टाटा बिरला की सरकार है, इस सरकार को तो टाटा बिरला चला रहे हैं। 60 से 80 दशक तक यही बातें बोली जाती थी, नेहरू जी के लिए बोली जाती थी, इंदिरा जी के लिए बोली जाती थी, और आपने उनके साथ भागीदारी की सत्ता में, लेकिन उनकी आदतें भी ले ली, आप भी उसी भाषा को बोल रहे हो। मैं देख रहा हूं आप इतने नीचे गए हो, इतने नीचे गए हो। हां, मुझे लगता है कि आज पंचिंग बैग बदल गया है, लेकिन आपकी आदत नहीं बदली है। मुझे विश्वास है यही लोग सदन में कहने की हिम्मत करते थे, बाहर तो बोलते ही थे, जहां मौका मिले चुप नहीं रहते थे। वो कहते हैं मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है, बताओ इसमें आनंद आ रहा है? कोई ऐसा हिंदुस्तान के लिए सोच सकता है क्या कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता? अरे भाई आपको तकलीफ होगी, हम आकर के करेंगे, ठीक है ऐसा बोलो, देश को क्यों गाली देते हो जी, देश के खिलाफ क्यों बोलते हो? मेक इन इंडिया हो नहीं सकता, मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया। और आज देश की युवा शक्ति ने, देश के एंटरप्रेन्योर ने करके दिखाया है, आप मजाक के विषय बन गए हो। और मेक इन इंडिया की सफलता आप लोगों को कितना दर्द दे रही है ये मैं भलीभांति समझ पा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मेक इन इंडिया से कुछ लोगों को तकलीफ इस बात के लिए है क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है कमीशन के रास्ते बंद, मेक इन इंडिया का मतलब है
भ्रष्टाचार के रास्ते बंद, मेक इन इंडिया का मतलब है तिजोरी भरने के रास्ते बंद, और इसलिए मेक इन इंडिया का ही विरोध करो। भारत के लोगों के सामर्थ्य को नजरअंदाज करने का पाप, देश के लघु उद्यमियों के सामर्थ्य का अपमान, देश के युवाओं का अपमान, देश की इनोवेटिव क्षमता का अपमान, माननीय अध्यक्ष जी, देश में इस प्रकार का नकारात्मकता का, निराशा का वातावरण, खुद निराश है, खुद सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए देश को असफल होने करने के जो खेल चल रहे हैं उसके खिलाफ देश का नौजवान बहुत जाग चुका है, जागरूक हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले जो सरकार चलाते थे, जो जिन्होंने 50 साल तक देश की सरकारें चलाई, मेक इन इंडिया को लेकर उनका क्या रवैया था? सिर्फ डिफेंस सेक्टर को हम देखें तो सारी बातें समझ आती थी, वो क्या करते थे, कैसे करते थे, क्यों करते थे, किसके लिए करते थे। पहले सालों में क्या होता था, नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए प्रोसेस चलती थी, सालों तक चलती थी, और जब फाइनल निर्णय होता था तब वो चीज पुरानी हो जाती थी। अब बताइए देश का क्या भला, आउट ऑफ डेट हो जाते थे और हम पैसे देते थे। हमने इन सारी प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया, सालों से पेंडिंग डिफेंस सेक्टर के जो इश्यू थे उसको हमने निपटाने का प्रयास किया। पहले किसी भी आधुनिक प्लेटफॉर्म या इक्विपमेंट के लिए हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था, जरूरत के समय आपाधाबी में आयुक्त खरीदा जाता था, ये लाओ वो लाओ, कौन पूछता है भाई, हो जाए। यहां तक कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम अन्य देशों पर निर्भर रहे हैं, दूसरों पर निर्भर होकर इस देश की सुरक्षा निश्चित नहीं कर सकते। हमारे पास यूनिक व्यवस्था होनी चाहिए, हमारी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना ये राष्ट्र सेवा का भी एक बहुत बड़ा काम है, और जो मैं देश के नौजवानों को भी आह्वान करता हूं कि आप अपने कैरियर में इस क्षेत्र को चुनिए, हम ताकत के साथ खड़े होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में भी हमने ज्यादा से ज्यादा रक्षा उपकरण भारत में ही बनाएंगे, भारतीय कंपनियों से ही खरीदेंगे, ये बजट में प्रावधान किया है। बाहर से लाने के रास्ते बंद करने की दिशा में हम कदम बढ़ाए हैं। हमारी सेनाओं की जरूरत पूरी होने के अलावा हम एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का सपना लेकर के चल रहे हैं, और मुझे विश्वास है ये संकल्प भी पूरा होगा। मैं जानता हूं कि रक्षा सौदों में कितनी बड़ी ताकतें पहले अच्छे अच्छों को खरीद लेती थी, ऐसी ताकतों को मोदी ने चुनौती दी, और इसलिए मोदी पर उनकी नाराजगी नहीं, गुस्सा होना भी बहुत स्वाभाविक है, और उनका गुस्सा प्रकट भी होता रहता है। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के हमारे कुछ साथियों ने यहां महंगाई का मुद्दा भी उठाया, अच्छा लगता, देश का भी भला होता अगर आपकी ये चिंता तब भी होती जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी, ये दर्द उस समय भी होना चाहिए था। आप शायद भूल गए हैं, मैं जरा आपको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार के आखिरी 5 सालों में लगभग पूरे कार्यकाल में देश को
डबल डिजिट महंगाई की मार झेलनी पड़ी थी। हमारे आने से पहले यह स्थिति थी। कांग्रेस की नीतियां ऐसी थी कि सरकार खुद मानने लगी थी कि महंगाई उसके नियंत्रण से बाहर है। 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने लोगों से बेशर्मी के साथ कह दिया था कि महंगाई कम करने के लिए किसी अलादीन के जादू की उम्मीद न करें। ये आपके नेताओं की असंवेदनशीलता। हमारे चिदंबरम जी, जो कि इन दिनों इकोनॉमी पर अखबारों में लेख लिखते हैं, जब सरकार में थे तब क्या कहते थे? उस समय के नेता क्या कह रहे थे आपके? वो कहते थे, 2012 में उन्होंने कहा था कि लोगों को 15 रुपये की पानी की बोतल और 20 रुपये की आइसक्रीम खरीदने में तकलीफ नहीं होती, लेकिन गेहूं चावल पर 1 रुपया बढ़ जाए तो बर्दाश्त नहीं के होता। ये आपके नेताओं के बयान, यानी महंगाई के प्रति कितना असंवेदनशील रवैया था, ये चिंता का कारण है। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई देश के सामान्य मानवी से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमारी सरकार ने, एनडीए सरकार ने पहले दिन से सतर्क और संवेदनशील रह करके इस मसले को बारीकाई से हैंडल करने का प्रयास किया है। और इसलिए हमारी सरकार महंगाई नियंत्रण को अपनी वित्तीय पॉलिसी का प्राथमिक लक्ष्य बनाया हमने। माननीय अध्यक्ष जी, 100 साल में आई इतनी बड़ी महामारी के इस कालखंड में भी हमने प्रयास किया कि महंगाई और जरूरी चीजों की कीमत आसमान न छुए, सामान्य मानवी के लिए। दादा, आपके काम की बात है। अरे, आपके काम की बात है, मजा लो रहे हैं, आपके काम आएगा, थोड़ा भी आगे जाऊंगा तो आपके काम आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई और जरूरी चीजों की कीमत आसमान न छुए, सामान्य मानवी के लिए, खासकर गरीब के लिए महंगाई बर्दाश्त की सीमा से बाहर न हो और महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए हमने क्या किया है, ये आंकड़े खुद बता रहे हैं। कांग्रेस के जहां महंगाई दर डबल डिजिट में थी, 10% से ज्यादा थी, वहीं 2014 से 2020 के 2014 से 2020 तक महंगाई 5% से कम रही है, 5% से कम रही है। कोरोना के बावजूद आपको मैं बोलने देना चाहता हूं, तो क्या आगे आपकी मजा होने वाली है, जरा इंतजार करो, आ रहा हूं। कोरोना के बावजूद इस साल महंगाई 5.2% रही है और उसमें भी फूड इन्फ्लेशन 3% से कम रही है। आप अपने समय में वैश्विक परिस्थितियों की दुहाई देकर पल्ला झाड़ लेते थे, वैसे महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा है?
वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए आज। आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। मान्य अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं, कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं, देखो जी आपके काम की बात है। आगे कहते हैं पंडित नेहरू जी, आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। नेहरू जी तब कहा था, माननीय अध्यक्ष जी, अगर कांग्रेस सरकार 8 सप्ताह में होती, क्या देश का नसीब है? देश बच गया। लेकिन आज अगर आप होते तो महंगाई कोरोना के खाते में जमा करके झाड़ करके निकल जाते आप लोग। लेकिन हम बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस समस्या को महत्वपूर्ण समझ करके उसके समाधान के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। आज दुनिया में अमेरिका और OECD जैसे देशों में, महंगाई 7% है, करीब करीब 7%। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, हम किसी पर ठीकरा फोड़ करके भाग जाने वालों में से नहीं है, हम ईमानदारी से प्रयास करने वालों में लोग हैं, जिम्मेवारी के साथ देशवासियों के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में गरीबी कम करने के भी बड़े बड़े आंकड़े दिए गए, लेकिन एक बात भूल गए, इस देश का गरीब इतना विश्वासघाती नहीं है कि कोई सरकार उसकी भलाई के काम करे और वो फिर उसको ही सत्ता से बाहर करे, ये देश के गरीब के स्वभाव में नहीं है। आपकी ये दुर्दशा इसलिए आई क्योंकि आपने मान लिया था कि नारे देकर के गरीबों को अपने चुंगाल में फंसाए रखोगे, लेकिन गरीब जाग गया।
गरीब आपको जान गया। इस देश का गरीब इतना जागरूक है कि आपको 44 सीटों पर सिमट दिया, 44 सीट पर लाकर के रोक दिया। कांग्रेस 1971 से गरीबी हटाओ के नारे पर चुनाव जीतती रही। 40 साल बाद गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने नई परिभाषा दे दी। मान्य दगी, देश के नौजवानों ने इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। और अध्यक्ष जी, आप देखिए कि ये डिस्टर्ब तब करते हैं कि उनको अंदाज आता है चोट बड़ी गहरी होने वाली है। उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं आज, और कुछ लोग बोल करके भाग जाते हैं और जेल में ऐसे बेचारों को पड़ता है। मान्य अध्यक्ष जी, 40 साल बाद कांग्रेस गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों ने कांग्रेस को हटा दिया। और कांग्रेस ने क्या किया? मान्य अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने गरीबी की परिभाषा बदल दी। 2013 में एक ही झटके में उन्होंने कागज पे कमाल करके 17 करोड़ गरीब लोगों को अमीर बना दिया। ये कैसे हुआ, इसकी सच्चाई देश के युवाओं को पता होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपको मालूम है हमारे देश में पहले रेलवे में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होता था। जो फर्स्ट क्लास होता था, एक लाइन लिखी रहती थी दरवाजे के बाजूगढ़ में, सेकंड क्लास में दो लिखी रहती थी, थर्ड क्लास में तीन। इनको लगा ये थर्ड क्लास वाला जरा मैसेज ठीक नहीं है, तो उन्होंने एक लाइन निकाल दी। ये इनके तरीके ऐसे ही हैं, और उनको लगता है कि वो गरीबी हट गई, और उन्होंने सारे उसके बेसिक नॉर्म्स बदल करके कह दिया है 17 करोड़ गरीब नहीं गिने जाएंगे। इस प्रकार से आंकड़े बदलने का काम वो करते रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यहां कुछ तात्विक मुद्दों को उठाने की कोशिश की, मैंने तो समझने की बहुत कोशिश की, शायद कोई समझ पाया हो, ऐसा तो मुझे अभी कोई मिला नहीं है, लेकिन जो कोई समझ पाया होगा तो मैं समझने के लिए तैयार हूं। ऐसे कुछ बातें सुनता हूं तो मान्य अध्यक्ष जी, सदन में राष्ट्र को लेकर बातें हुई, ये बातें हैरान करने वाली है। मैं मेरी बात रखने से पहले एक बात दोहराना चाहता हूं, और मैं कोट कर रहा हूं, यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठे, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग पहचान बनाए हैं, इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोबेश एक से हैं, इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे स्पष्ट रूप से ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। एक कोटेशन है। अध्यक्ष महोदय,
हम भारतीयों की इस विशेषता को बताते हुए इस कोटेशन में दो शब्द गौर करने वाले हैं, राष्ट्रीय विरासत। और ये कोट पंडित नेहरू जी का है। ये बात कही थी नेहरू जी ने और अपनी किताब भारत की खोज में है। हमारी राष्ट्रीय विरासत एक है, हमारे नैतिक और मानसिक विशेषताएं एक है। क्या बिना राष्ट्र के ये संभव है? इस सदन का ये कहकर भी अपमान किया गया कि हमारे संविधान में राष्ट्र शब्द नहीं आता। संविधान की प्रस्तावना में लिखा राष्ट्र पढ़ने में न आए, ये हो नहीं सकता। कांग्रेस ये अपमान क्यों कर रही है, मैं इस पर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। मान्य अध्यक्ष जी, राष्ट्र कोई सत्ता या सरकार की व्यवस्था नहीं है। मान्य अध्यक्ष जी, हमारे लिए राष्ट्र एक जीवित आत्मा है। और इससे हजारों साल से देशवासी जुड़े हुए हैं और जूझते रहे हैं। हमारे यहां विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रयश्चैव दक्षिणम् वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। विष्णु पुराण का ये श्लोक अगर कांग्रेस के लोगों को स्वीकार्य नहीं है तो मैं एक और कोट इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कुछ चीजों से आपको एलर्जी हो सकती है। मैं कोट कह रहा हूं, एक क्षण आता है मगर इतिहास में विरल ही आता है जब हम पुराने से बाहर निकलकर नए युग में कदम रखते हैं। जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है, ये भी नेहरू जी के ही बोल है। आखिर किस नेशन की बात नेहरू जी कर रहे थे जी? ये नेहरू जी कह रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, यहां तमिल सेंटीमेंट को आग लगाने की भारी कोशिश की गई है। राजनीति के लिए कांग्रेस की जो परंपरा अंग्रेजों के विरासत में आई दिखती है, तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो। लेकिन मैं आज तमिल भाषा के महाकवि, माननीय अध्यक्ष जी, तमिल भाषा के महाकवि और स्वतंत्र सेनानी आदरणीय सुब्रमण्यम भारती ने जो लिखा था, मैं यहां दोहराना चाहता हूं। तमिल भाषी लोग मुझे क्षमा करें मेरे उच्चारों में कोई गलती हो तो, लेकिन मेरा आदर और मेरी भावना में कोई कमी नहीं है। सुब्रमण्यम भारती जी ने कहा था, मन्नुम इमय मलय एंगल मलय पन्नरुम उपनित
नुलेंगल नुले पार मिसे एधोरु नुल इधु पोले पोन निलोर भारत नांडेघल नाड़े पोट रुवोम इकते इमत किलेडे। इसका भावार्थ जो उपलब्ध है वो इस तरह का है, सुब्रमण्यम भारती जी कहते हैं, जो उन्होंने तमिल भाषा में कहा है उसको मैं अनुवाद, जो भाव मुझे उपलब्ध हुआ है मैं कह रहा हूं। सम्मानित जो सकल विश्व में, सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है, महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ से वे सभी हमारे, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। सुब्रमण्यम भारती कह रहे हैं, गाएंगे यस हम सब इसका, गाएंगे यस हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा। ये सुब्रमण्यम भारती जी की कविता का भाव है, ये वो संस्कृति है। और मैं आज तमिल के सब नागरिकों को सैल्यूट करना चाहूंगा। जब हमारे सीडीएस रावत दक्षिण में हेलीकॉप्टर के अकस्मात में उनका निधन हुआ, और जब उनका बॉडी तमिलनाडु में हवाई अड्डे की तरफ ले जाने के लिए रास्ते पर गुजर रहा था, मेरे तमिल भाई, मेरी तमिल बहनें लाखों की संख्या में घंटों तक कतार में खड़ी रही थी रोड पर, कोई सूचना नहीं, संदेश नहीं, इंतजार करते खड़ी रही थी। और जब सीडीएस रावत का बॉडी वहां से निकल रहा था, तब हर तमिलवासी गौरव के साथ हाथ ऊपा कर करके आंख में आंसू के साथ कहता था, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम, ये मेरा देश है। लेकिन कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है, विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। माननीय सदस्य प्लीज, मैंने सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया था। जब सदन के नेता बोल रहे हैं ये अपराधिक आचरण आपका ठीक नहीं है, ये सदन की गरिमा नहीं है। जो लोकतंत्र की प्रक्रिया से हमें रोक नहीं पा रहे हैं, वो यहां अनुशासनहीनता करके हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी विफलता मिलेगी, इसमें भी विफलता मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आने की इच्छा खत्म हो चुकी है, लेकिन जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो कम से कम बिगाड़ तो दो, ये फिलॉसफी पर आज निराशावादी। लेकिन उस मोह में, बर्बाद कर करके छोड़ेंगे इस मोह में, देश में वो बीज बो रहे हैं जो अलगाव की जड़ों को मजबूत करने वाले हैं।
सदन में ऐसी बातें हुई कि जिसमें देश के कुछ लोगों को उठाने का भरपूर प्रयास किया गया। अगर पिछले 7 साल से कांग्रेस के हर कारनामे, हर गतिविधि उसको बारीकी से देखेंगे तो हर चीज को अगर धागे में बांध करके देखेंगे तो इनका गेम प्लान क्या है वो बिल्कुल समझ में आता है और वो ही मैं आज उनका खुला कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपका गेम प्लान कोई भी हो, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे बहुत लोग आए और चले गए, लाखों कोशिशें की गई, अपने स्वार्थवश की गई, लेकिन ये देश अजरा अमर है, इस देश को कुछ नहीं हो सकता। आने वालों को, इस प्रकार की कोशिश करने वालों को हमेशा कुछ न कुछ गंवाना पड़ा है। ये देश एक था, श्रेष्ठ था, यह देश एक है, यह देश श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा, इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, यहां कर्तव्यों की बात करने पर भी ऐतराज जताया गया है। उससे भी कुछ लोगों को पीड़ा हुई है कि देश का प्रधानमंत्री कर्तव्य की बात क्यों करता है, कर्तव्य की चर्चा हो रही है। किसी बात को समझ के अभाव से या बद इरादे से विकृति से घर देना, विवाद खड़ा कर देना ताकि खुद लाइमलाइट में रहे, मैं हैरान हूं अचानक कांग्रेस को अब कर्तव्य की बात चुभने लगी है। आप लोग, अजय रंजन जी, आप बैठिए, आप बैठिए बैठिए, अरे आपकी जिंदगी बोलते रह रहे हैं, आपका वही काम है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आप लोग, माननीय अध्यक्ष जी, आप लोग कहते रहते हैं कि मोदी जी नेहरू जी का नाम नहीं लेते हैं, तो आज मैं आपकी मुराद बराबर पूरी कर रहा हूं, आपकी प्यास बुझा रहा हूं। देखिए, कर्तव्यों के संबंध में, कर्तव्यों के संबंध में, कर्तव्यों के संबंध में नेहरू जी ने क्या कहा था, जरा मैं आज कोट सुनाता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा था, मैं आपसे फिर कहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं, मैं आपसे फिर कहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान की सालगिरह हम मनाते हैं, लेकिन लेकिन आ गया समय, सीखो, सीखने में काम आएगा, तैयारी करो, लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है और कर्तव्य को ही दूसरे शब्दों में जिम्मेदारी कहते हैं, इसलिए कोई समझना हो तो मैं समझा दूं, कर्तव्य को दूसरे शब्दों में जिम्मेदारी कहते हैं। अब ये पंडित नेहरू का कोट है, मैं आपसे फिर कहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान की सालगिरह हम मनाते हैं, लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी कर्तव्य खाली हुकूमत की नहीं, जिम्मेदारी
हर एक आजाद शख्स की होती है और अगर आप उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते, अगर आप समझते नहीं, तब पूरी तौर पर आप आजादी के माने नहीं समझे और आप आजादी को पूरी तौर से बचा नहीं सकते हैं। ये कर्तव्य के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने कहा था, लेकिन आप उसको भी भूल गए, आप उसको भी भूल गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं, अब वो भी थक गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां कहा गया है क्षणशः, हमारे यहां कहा गया है क्षणशः कणश्चैव विद्याम अर्थच साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। अर्थात विद्या ज्ञान के लिए एक एक पल महत्वपूर्ण होता है, संपत्ति संसाधनों के लिए एक एक कण जरूरी होता है, एक एक क्षण बर्बाद करके ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता और एक एक कण बर्बाद किया गया छोटे छोटे संसाधनों का समुचित प्रयोग नहीं किया गया तो संसाधन व्यर्थ हो जाते हैं। मैं कांग्रेस और उसके सहयोगियों से कहूंगा, आप ये मंथन जरूर कीजिए कि कहीं आप इतिहास के इस महत्वपूर्ण अहम क्षण को नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। मुझे सुनाने के लिए, मेरी आलोचना करने के लिए, मेरे दल को कोसने के लिए बहुत कुछ है, कर सकते हैं आप और आगे भी करते रहिए, मौकों की कमी नहीं है। लेकिन आजादी के अमृत काल का ये समय, 75 वर्ष का ये समय भारत की विकास यात्रा में सकारात्मक योगदान का समय है। मैं विपक्ष के और यहां पर बैठे हुए भी सभी साथियों से और इस सदन के माध्यम से देशवासियों से भी आजादी के इस अमृत महोत्सव के पर्व पर आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आओ इस आजादी के अमृत महोत्सव को हम नए संकल्पों के साथ, आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प के साथ एकजुट होकर हम लग जाएं, कोशिश करें पिछले 75 साल में जहां जहां हम कम पड़े हैं उसको पूरा करें और आने वाले 2047 के शताब्दी वर्ष बनाने से पहले देश को कैसा बनाना है उसका संकल्प लेकर के आगे बढ़े। देश के विकास के लिए मिलकर के काम करना है, राजनीति अपने जगह पर है, हम दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके देश की भावनाओं को लेकर के जिए। चुनाव के मैदान में जो कुछ करना है करते रहिए, लेकिन हम देश हित में आगे आए इसी एक अपेक्षा रखता हूं। आजादी के 100 वर्ष जब होंगे, ऐसे ही सदन में जो लोग बैठे होंगे वो जरूर चर्चा करेंगे कि ऐसी मजबूत नींव पर, ऐसी प्रगति के पर पहुंची हुई 100 साल की उस यात्रा के बाद देश ऐसे लोगों के हाथ में जाए ताकि उनको आगे ले जाने का मन कर दे। हम यही सोचें कि जो समय मिला है उसका हम सदुपयोग करें, हमारे स्वर्णिम भारत के निर्माण में हम कोई कोताही न बरतें, पूरे सामर्थ्य के साथ उसमें काम में लगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर एक बार राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को, धन्यवाद प्रस्ताव को अनुमोदन करता हूं और मैं इस सदन में चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सांसदों का भी फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए
आपने जो अवसर दिया, रोका टोका की कोशिश के बावजूद भी मैंने सभी विषयों को स्पर्श करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।